हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब इस वीडियो में कवर किया गया है। यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए विजिट हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग फेज्ड एरे रडार सिस्टम विकसित किया है? आंसर होगा भारत। भारत ने हथियारों का पता लगाने वाले रडार स्वाति को विकसित किया है, जो एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली है, जो अपनी सीमाओं के पार तोपखाने और रॉकेट आग से खतरों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सिलाइनेक्स अभ्यास करता है? दोस्तों, आंसर होगा श्रीलंका देश के साथ। देखिए, सिलाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। सिलाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज और 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए किस कीमत पर भारतीय शिपयार्ड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा 19,600 करोड़ रुपए में। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 19,600 करोड़ रुपए के कुल लागत पर 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज़ों और 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए भारतीय शिपयार्डों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन हैं? दोस्तों, आंसर होगा जसजीत सिंह। देखिए, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख हैं जसजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, इन अनुबंधों की कुल लागत क्या है? आंसर होगा 5,400 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को तीसरी पीढ़ी के तेंदुए 2 टैंकों की पहली खेप की घोषणा की है? दोस्तों, आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी देश के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को तीसरी पीढ़ी के तेंदुए 2 टैंकों की पहली खेप की घोषणा की है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी। अगला प्रश्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप समिट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों, आंसर होगा विशाखापट्टनम में। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप शिखर सम्मेलन विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया और इसकी सह अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एक्सरसाइज वायु प्रहार नाम से मल्टी डोमेन एयरलैंड एक्सरसाइज का आयोजन किया? आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न, भारत और ब्रिटेन ने किस समुद्र में संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण आयोजित किया? दोस्तों, आंसर होगा अरब सागर में। अगला प्रश्न, 21 से 30 मार्च 2023 तक 10 दिवसीय अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास अफेंडेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा पुणे में आयोजित किया गया था। देखिए, 10 दिवसीय अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास का नाम था अफेंडेक्स 2023। पुणे में 21 से 30 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और वायुसेना के बीच संपन्न हुए अभ्यास का क्या नाम है? आंसर होगा वायु प्रहार। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लैस पर भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय सेना और वायुसेना ने पूर्वी क्षेत्र में वायु प्रहार नामक 96 यानी 96 घंटे का बहु डोमेन वायु और भूमि अभ्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबरा योद्धा अभ्यास कहाँ से शुरू हुआ है? दोस्तों, आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम में अभ्यास कोबरा वॉरियर शुरू हो गया है और भारतीय वायुसेना ब्रिटेन, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, अमेरिका और सिंगापुर की वायुसेना के साथ भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के साथ रक्षा मंत्रालय ने 3,700 करोड़ से अधिक की लागत से अरुद्रा मध्यम शक्ति रडार के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा बेल ने। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने अरुद्रा मीडियम पावर रडार के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL के साथ 3,700 करोड़ से अधिक के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास अफिंडेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर होगा पुणे में।
निष्कर्षण, किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया? आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, अभ्यास सी ड्रैगन 2023 का तीसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया जिसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया? आंसर होगा अमेरिका। 15 मार्च से 30 मार्च तक यूनाइटेड स्टेट्स नेवी द्वारा आयोजित एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का एक P-8 विमान 14 मार्च को गुआम USA पहुंचा। लंबी दूरी की समुद्री टोही विमान के लिए पार्श्व पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास भाग लेने वाले देश प्रथम भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया थे। निष्कर्षण है, रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा कितने मूल्य के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी? आंसर होगा 70,500 करोड़ रुपए की। निष्कर्षण है, हिंद महासागर क्षेत्र में चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए भारतीय तटरक्षक ने किस शहर में चौथा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव आयोजित किया? आंसर होगा कोलकाता। भारतीय तटरक्षक ने हिंद महासागर क्षेत्र में चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए कोलकाता में चौथा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव आयोजित किया। निष्कर्षण है, किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलों के लगातार 2 सफल उड़ान का परीक्षण किए? आंसर होगा DRDO ने। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? दोस्तों आंसर होगा 13वीं संस्करण। निष्कर्षण है, किस कंपनी ने LCA तेजस पर पावर टेक ऑफ शाफ्ट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? आंसर होगा DRDO। DRDO कंपनी ने LCA तेजस पर पावर टेक ऑफ शाफ्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कौन? DRDO। निष्कर्षण है, बहुपक्षी नौसैनिक अभ्यास ला पेरोस किस वर्ष के लिए शुरू हुआ है? आंसर होगा 2023। 2 दिवसीय बहुपार्श्व समुद्री अभ्यास ला पेरोस में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानी मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के कर्मियों, जहाजों और इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों की भागीदारी शामिल है। हिंद महासागर क्षेत्र में 13 से 14 मार्च 2023 तक शुरू हुआ। निष्कर्षण, किस देश ने पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? आंसर होगा उत्तर कोरिया। निष्कर्षण, किस देश के साथ नौसेना की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए 2 युद्धपोतों में शामिल हुई? आंसर होगा फ्रांस। नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए फ्रांस के 2 युद्धपोतों में शामिल हुए। निष्कर्षण, किस देश ने ट्रोपेक्स 2023 नामक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास किया है? दोस्तों आंसर होगा भारत देश ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने पानी के नीचे एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट RGB सिस्टम के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB सिस्टम सफलतापूर्वक विकसित किया है? दोस्तों आंसर होगा भारत। भारतीय नौसेना ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट RGB सिस्टम के लिए पहली पूर्ण स्वदेशी फ्यूज YDB सिस्टम सफलतापूर्वक विकसित किया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक 4 महीने तक चलने के बाद भारतीय नौसेना का थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज फॉर 2023 यानी ट्रोपेक्स 23 का समापन कहाँ हुआ? आंसर होगा अरब सागर में। भारतीय नौसेना का अभ्यास जिसे थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज फॉर 2023 कहा जाता है, नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक 4 महीने तक चलने के बाद अरब सागर में समाप्त हुआ। निष्कर्षण है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रंजेक्स 23 आयोजित किया गया था? आंसर होगा फ्रांस। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रंजेक्स 23 हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था। निष्कर्षण है, फ्रंजेक्स 23 भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास किस शहर में शुरू हुआ? आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। निष्कर्षण है, INS विक्रांत पर नौसेना कमांडरों का सम्मेलन किस वर्ष शुरू होता है? दोस्तों आंसर होगा 2023 में शुरू हुआ। निष्कर्षण है, कौन सा देश और अमेरिका
पाँच वर्षों में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहे हैं, जिसे फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड कहा जाता है। आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका पाँच साल में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसे फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य एक्स ईस्ट लेक 2023 किस राज्य में शुरू हुआ? दोस्तों आंसर होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंप इमाजू में भारत और जापान ने किस देश में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? आंसर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? आंसर होगा चौथा संस्करण। हाल ही में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में कौन सा सैन्य अभ्यास किया? दोस्तों आंसर होगा त्रिशाकरी प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में 6 दिवसीय मेगा द्विवार्षिक त्रिसेवा उपचर व्यायाम एम्फेक्स 2023 का आयोजन किया? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा सशस्त्र बल ऑप्स अलर्ट अभ्यास कर रहा है? दोस्तों आंसर होगा BSF के जवान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास टॉर्पेडो 2023 किस महासागर में आयोजित किया जाना है? आंसर होगा हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा कौन सी डीजल इलेक्ट्रिक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को कमीशन किया गया था? आंसर होगा पांचवा। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ वरुण नामक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास करता है? आंसर होगा फ्रांस। देखिए, भारत फ्रांस देश के साथ वरुण नामक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास करता है। किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलावरी श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी वागीर को नौसेना में शामिल किया गया है? आंसर होगा पांचवा। भारतीय नौसेना की पांचवी स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वगीर को 23 जनवरी 2023 को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में एडमिरल आर हरि कुमार नौसेनाध्यक्ष समारोह के मुख्य अतिथि की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ विशेष बलों के बीच अपना पहला अभ्यास आयोजित करेगा? आंसर होगा मिस्र देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट पेट्रोल वेसल भारतीय तटरक्षक जहाज कमला देवी को 12 जनवरी 2023 को कोलकाता में कमीशन किया गया था, निम्नलिखित में से किसने इसे बनाया था? आंसर होगा गार्डन रिसीफ बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। फास्ट पेट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज कमला देवी को 12 जनवरी 2023 को कोलकाता में कमीशन किया गया था। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एक महीने से भी कम समय में दूसरी बार ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास किया? आंसर होगा चीन देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की वियतनामी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पासेक्स 2020 का आयोजन किया? आंसर होगा भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नौसेना ने औपचारिक रूप से INS सिंधु वीर पनडुब्बी को कमीशन किया? दोस्तों आंसर होगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSWSWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज कौन सा है जिसे 20 दिसंबर 2022 को कट्टुपल्ली चेन्नई में गार्डन रिसीप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया था? आंसर होगा INS राजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने विदेशी लॉन्च से 5 साल में 1,100 करोड़ रुपए लगाए हैं? आंसर होगा इसरो कमाए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।